और ये नेट पता नहीं कहाँ रह गया, हमेशा देर कर देता है। हम ऑलरेडी लेट हैं। हेलो मिट्टू के पापा, यहाँ पर एक बस का एक्सीडेंट हो गया है, इसकी वजह से बहुत ट्रैफिक जैम हो गया है। हम लोगों को आने में थोड़ी देर हो जाएगी। हम लोगों ने टैक्सी बुक कराई है, बस उसी का वेट कर रहे हैं। मेरा बलून। अभी लेके आती हूँ। अरे छोटी बच्ची किसकी जो बस के ऊपर चढ़ गई है? अरे वो किसकी बच्ची है? मम्मी! अरे कोई मेरे बच्चे को बचाओ, प्लीज बचाओ, गिर जाएगी। मिट्टू कोई बचाओ। मम्मी बचाओ। मिट्टू बेटा आगे मत जाना वरना गिर जाओगी, कोई बचाओ प्लीज। घबराओ मत छोटी बच्ची, स्पाइडरमैन तुम्हारी मदद के लिए आ गया है। डरो मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं आ रहा हूँ, तुम वहीं रहो। स्पाइडरमैन ने सही समय रहते उस बच्ची को बचा लिया और बस में फंसे लोगों को भी, वरना बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। You're welcome. Bye. Bye. ये पीटर पता नहीं कहाँ चला जाता है, कितनी देर से बुला रही हूँ, पता नहीं कहाँ चला गया। पीटर ये तुम हो क्या? पीटर, आवाज तो यहीं से आ रही थी, यहाँ तो कोई भी नहीं है। पीटर आज तो तेरा भांडा फूटने ही वाला था कि तू ही स्पाइडरमैन है। चल जल्दी कर, इससे पहले आंटी में तुझे रंगे हाथों पकड़ ले। पीटर तुम कमरे में हो क्या? यस आंटी में। पीटर तुम इतनी देर से कहाँ थे? आंटी वो ना मैं काम कर रहा था और काम करते करते कब मेरी आंख लग गई पता ही नहीं चला। बहुत नींद आ रही, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। रुको, तुम्हारे कमरे में इतने जाले हो गए हैं, इन्हें साफ क्यों नहीं करते? अरे अब आंटी को कैसे बताऊँ कि ये जाले मेरी वजह से ही हुए हैं। आंटी आप टेंशन मत लो, कल मैं उन्हें साफ कर दूंगा। हाँ ओके बाय। पीटर, पीटर अरे इन्हें भी आज ही मिलना था, आज तो मेरा लैब में एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है। वो देख जोकर आ रहे हैं। क्या बे, ना दुआ ना सलाम, कहाँ जा रहा है? प्लीज मुझे जाने दो, मैं लैब के लिए लेट हो रहा हूँ, मुझे जल्दी पहुंचना है, प्लीज मुझे जाने दो प्लीज। सुना आजकल बहुत पैसे छाप रहे हैं। तो देखो आई रिक्वेस्ट यू प्लीज मुझे जाने दो, पैसे कहाँ हैं? मुझे जाने दो, मैं लेट हो रहा हूँ। बैग दे किसका? मेरा बैग मत, मेरे बैग में मेरे पैसे हैं, प्लीज प्लीज मेरा बैग दे दो, प्लीज प्लीज मेरा बैग दे दो प्लीज। जरूरत तो हमें भी है। Hey Eddie. Hello Peter. तुमने मुझे पहचान लिया? Of course Eddie. हम साथ में violin class जाते थे। Finally किसी ने तो मुझे पहचाना। क्या हुआ Eddie? तुम्हारे कपड़े इतने गंदे कैसे हो गए? ये वो Peter ऐसे ही छोड़ो ना, ये तो होता रहता है बस। Eddie. हाँ। कब तक तुम सबसे डर के रहोगे? अरे अपने लाइफ के हीरो बनो। अपने लिए स्टैंड लेना सीखो एडी।
लगता है कोई मुसीबत में। हाँ बेटा तुम बिल्कुल सही। लो इसने भी मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया। कितना अच्छा लग रहा है। बहुत समय से शहर में शांति का माहौल है। आई विश ये शांति हमेशा इसी तरह से बरकरार रहे। पीटर। हाँ डीने। खाना रेडी है, आ जाओ। आया। मैं हूं डॉक्टर टॉम। मैं हर उस इंसान से अपना बदला लूंगा जिसने मुझे परेशान किया है। लेट द तबाही बिगिंस। शहर में एक ही दिन में हुए कई सारे धमाके, अभी तक पता नहीं चल पाया है कि इन धमाकों के पीछे किसका हाथ है। एक और ब्रेकिंग न्यूज मिल रही है, कुछ ही मिनटों पहले शहर के मशहूर मेलोडी वायलिन क्लास में हुआ है धमाका, इसमें कुछ लोगों के घायल होने की खबर आ रही है। ये तो वही वायलिन क्लास है जहाँ पर मैं जाता था। इस खबर के बारे में और जानने के लिए चलते हैं हमारे संवाददाता के पास। मैथ्यू, घटनास्थल से क्या जानकारी मिल रही है? इसके पीछे कौन है मुझे पता लगाना होगा। एक और धमाका, आखिर इसके पीछे कौन है? जाकर पता लगाता हूं। स्पाइडरमैन बचाओ, आप घबराइए मत, मैं आ गया हूं ना, आप लोगों को कुछ नहीं होगा, पीछे हटिए। थैंक यू स्पाइडरमैन। चलिए अब एक एक करके बाहर जाइए, जल्दी कीजिए। थैंक यू स्पाइडरमैन। अरे ये क्या, जहां पर भी हमला हो रहा है वहां पर ये ब्लू लिक्विड क्यों दिखाई दे रहा है? मुझे इसका सैंपल कलेक्ट करके लैब में देना होगा। डॉक्टर कर्टिस। डॉक्टर। हाय पीटर, बोलो कैसे आना हुआ, क्या मदद कर सकता हूँ तुम्हारी? डॉक्टर मैं हाल ही में हुए हमलों वाली जगह पर गया था और वहां पर मुझे कुछ अजीब सा लिक्विड दिखाई दिया। मैं उसका सैंपल लेकर आया हूँ आपके लिए, आप देखकर बता सकते हैं कि ये क्या है? यस श्योर पीटर, इसे डेस्क में रख दो, जैसे ही कुछ पता चलता है मैं तुम्हें कॉल करता हूँ। थैंक यू डॉक्टर। यू वेलकम। मुझे इन जालों का पीछा करना होगा, इन्हीं की मदद से मैं स्पाइडरमैन तक पहुंच पाऊंगा, तभी मुझे पता चलेगा कि स्पाइडरमैन के नकाब के पीछे कौन है। वो जो भी है उसका पता चलते ही मैं उसका नाम और निशान मिटा दूंगा और फिर डॉक्टर डॉम बन जाएगा
दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर हीरो। चला यहां पर खत्म हो गया है, लगता है यहीं पर स्पाइडरमैन रहता है। अरे ये तो पीटर है। स्पाइडरमैन होना कोई आसान काम नहीं है। इसका मतलब पीटर ही स्पाइडरमैन है। पीटर आया आंटी में। अब आगे आगे देखो होता है क्या। आपको कुछ पता चला डॉक्टर? हाँ पीटर, ये जो तुम सैंपल लेकर आए हो इसका एक्सपेरिमेंट एडी नाम का साइंटिस्ट कॉर्नर लैब में कर रहा था। कई दिनों से वो गायब है, उसकी कोई खबर नहीं। ये बहुत ही खतरनाक वायरस है, जो भी इसके संपर्क में आएगा वो इन्फेक्टेड हो जाएगा। जो भी हमलों के पीछे है वो यही चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस वायरस से इन्फेक्ट हों। इसका कोई तोड़ है डॉक्टर? हाँ पीटर, ये रहा उसका एंटीटोड। तुम्हें जल्द से जल्द उस इंसान को ढूंढ कर उस वायरस के साथ इस एंटीटोड को उसे लगाना है, ताकि वो किसी को भी इन्फेक्ट ना कर पाए। ध्यान रहे पीटर, तुम उस वायरस के संपर्क में आने से बचना, क्योंकि दुनिया को बचाने के लिए स्पाइडरमैन का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। ठीक है डॉक्टर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। यू वेलकम। अब ये मेरा एक्सपेरिमेंट आसमान में जाएगा, और आसमान में जाते ही होगी बारिश, और जिस जिस पर वो बारिश गिरेगी वो सब हो जाएंगे मेरे गुलाम, और मैं बन जाऊंगा उन सब का लीडर। अब इंतजार है तो बस स्पाइडरमैन के यहां आने का, और जैसे ही वो यहां आएगा मैं बना लूंगा उसे भी अपना गुलाम। स्पाइडरमैन, वेयर आर यू? तुम अभी के अभी रुक जाओ। एडी, ये तो एडी है। आओ स्पाइडरमैन, तुम्हारा इंतजार था। एडी, ये सब तुम क्यों कर रहे हो? अभी के अभी रुक जाओ। अब स्पाइडरमैन कहूं या पीटर? तुम्हें कैसे पता कि मैं पीटर हूं? मैंने तुम्हारा पीछा किया था, और लो मुझे तुम्हारे बारे में सब पता चल गया। पीटर, ये क्या है? ये कैसे रुकेगा? रुक जाओ स्पाइडरमैन, ऐसा मत करो। तुम मुझे मेरे मकसद को पूरा होने से नहीं रोक सकते।
स्पाइडरमैन ने मेरा सारा टाइम वेस्ट कर दिया है। सूर्यास्त भी हो गया है, सूर्यास्त से पहले मुझे इसे लॉन्च करना था। अब बस बहुत हुआ एडी, लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे। स्पाइडरमैन ऐसा मत करो। ये सब क्या हो रहा है पीटर? पीटर ये सब मैंने किया है क्या? पीटर प्लीज कुछ करो, तुम ही दुनिया को बचा सकते हो पीटर प्लीज। पीटर घबराओ मत, मैं किसी को नहीं बताऊंगा कि तुम ही स्पाइडरमैन हो। और तुम भी मत घबराओ एडी, मैं तुम्हें कुछ याद रहने भी नहीं दूंगा। ये था स्पाइडर पंच। एक बार फिर स्पाइडरमैन ने शहर को बहुत बड़ी मुसीबत से बचा लिया। शहर में फिर से अमन और शांति स्थापित हो गई। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करें और मूव अप मी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि जब भी हम लोग न्यू वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको जल्द से मिल जाए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। आपको स्पाइडरमैन से मिलकर कैसा लगा ये भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, बेल आइकन को दबाएं एंड सब्सक्राइब करें टू मोहक मीट।